नमस्कार साथियों, मैं सत्येंद्र एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube परिवार बायोलॉजी के दाते यादव में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बहुत दिन हो गए हमने आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाए, ऐसे कामों में उलझ जाता हूँ, वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाता हूँ, लेकिन फिर भी जब भी कभी समय मिला करेगा आपको वीडियो जरूर दिया करेगा। हमारी कोशिश रहेगी आज से रेगुलर वीडियो आपको देने की, रेगुलर वीडियो आपको दिया करेंगे। तो आप सभी लोगों से यही अनुरोध है कि प्लीज़ अगर इस चैनल पर रहे हो तो आप लोग एक बटन आए गई होगी वहाँ पर चैनल पर, चैनल का नाम है बायोलॉजी में दर्द किया था, ये सर्च भी कर सकते हो। और क्या काम करोगे, उस लाल बटन को जो सब्सक्राइब लिखा होगा उस लाल बटन को दबाना है, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लेना है। इससे होगा क्या, आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच चुकी होगी। तो आज हम फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। ये जो प्रश्न हैं ऐसे प्रश्न हैं जो परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं, खास करके जो पैरामेडिकल या बीएससी नर्सिंग एग्जाम जो एंट्रेंस एग्जाम पास करना चाहते हैं विद्यार्थी, तो उनमें जो सिलेबस आता है उन्हीं से छांट कर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ बायोलॉजी की भी क्लास चल रही है और केमिस्ट्री की भी क्लास चल रही है। तो देखिए फिजिक्स की क्लास में तो प्रश्नों पर नजर डालें, एक एक प्रश्न को पढ़ना शुरू करें। देखो क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है, प्रश्न नंबर एक कहता है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि इसके कारण क्या है। आप लोगों ने देखा होगा कि सड़क पर तो हम लोग बहुत ही आसानी से चलते हैं, सड़क पर बहुत ही आसानी से चल पाते हैं, जबकि जब हम बर्फ पर चलने के लिए जाते हैं तो वहाँ चलना बहुत कठिन होता है, हम फिसल जाते हैं, बार बार गिर जाते हैं। तो सड़क पर चलना आसान क्यों है और बर्फ पर चलना कठिन क्यों है, इसका अर्थ ये है कि हमारी जो भूमि होती है उसका जो तल है, पृथ्वी की जो सतह है वो सतह किस प्रकार की है, तो वो सतह जो है एक खुरदरी पृष्ठ होती है। जब हम उस पर चलने के लिए जाते हैं तो हम क्या काम करते हैं, हम अपने पैरों से पृथ्वी की सतह को पीछे की ओर धकेलते हैं, और न्यूटन का जो तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, उस नियम के अकॉर्डिंग हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं, तो इसलिए बिना फिसले लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी की सतह भी खुरदरी है और हम चलते हैं तो उस खुरदरे पृष्ठ पर चलते हैं, तो हमारे पैरों के तले और उस पृथ्वी की सतह दोनों के बीच में एक बल कार्य करता है जिस बल का नाम है घर्षण बल। घर्षण बल कार्य करता है जिसके अकॉर्डिंग हम क्या काम करते हैं, हम तो आगे की ओर बढ़ जाते हैं और पृथ्वी को घर्षण बल के कारण पीछे की ओर धकेल देते हैं, तो यहाँ पर न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का तीसरा नियम लागू हुआ है। तो इस प्रकार देखिए साथियों ये सब होती है, तो सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों, क्योंकि पृथ्वी की सतह खुरदरी होती है, घर्षण बल ज्यादा लगता है, जबकि बर्फ की जो सतह होती है वो पृथ्वी की अपेक्षा हम कह सकते हैं न्यूनतम घर्षण की होती है, वहां घर्षण बल कार्य नहीं करता है, जबकि इन दो सतहों के बीच घर्षण बल कार्य नहीं करेगा तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ फिसलना ही होगा, अर्थात चलना कठिन होगा। तो देखिए साथियों इन प्रश्नों को हम बताते हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ये कह रहा है कि बर्फ सड़क से सख्त होती है, ऑप्शन बी कहता है सड़क बर्फ से सख्त होती है। देखो यही कह रहा है बर्फ सड़क से सख्त होती है और ये कहता है सड़क बर्फ से सख्त होती है, और ऑप्शन सी कहता है जब हम अपने पैरों से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, ये ऑप्शन सी कह रहा है, और ऑप्शन डी कह रहा है कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, तो जो बर्फ होती है उसमें सड़क की अपेक्षा क्या होता है घर्षण
कम होता है, जितना ज्यादा घर्षण होगा उतना ही ज्यादा चलने में आसानी होगी। तो ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर दो देखो क्या कहता है। प्रश्न नंबर दो कहता है एक मनुष्य स्थिर नाव से, नाव खड़ी हुई है किसी नदी के किनारे मान लो या किसी झील के किनारे खड़ी हुई है, तो स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा। एक व्यक्ति ने क्या काम किया, एक मनुष्य ने उस स्थिर नाव से जंप लगाई नदी के किनारे, उस चाल से कूदा और नाव ने क्या काम किया, 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से क्या हुआ, वह खिसक गई पीछे की ओर। तो बताइए कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है, यह क्वेश्चन कहता है। जो नाव का द्रव्यमान है वो मनुष्य के द्रव्यमान से कितना गुना है। तो देखो आप लोगों ने एक नियम पढ़ा हुआ होगा जिसका नाम है संवेग संरक्षण। क्या नाम है, संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण हमने बताया भी है, हमने जो टॉपिक की वीडियो दी है उनमें बताया। संवेग संरक्षण ये कहता है कि किन्हीं वस्तुएं जब दो वस्तुएं आपस में टकराते हैं तो टक्कर से पूर्व का संवेग बराबर होता है टक्कर के बाद का संवेग, तो संवेग क्या होता है, संरक्षित रहता है। तो देखो मनुष्य, हमने यहां पर मान लिया कि मनुष्य का जो द्रव्यमान है वो m1 है और मनुष्य की जो चाल है वो कितनी है, v1 है। तो मनुष्य का, मनुष्य जब नाव से कूदा तो उस समय इसका संवेग कितना हो जाएगा, तो m1 और मनुष्य की स्पीड क्या थी, 5, तो ये हो गया 5m1। बात समझ में आ रही, तो ये 5m1 हो गया। अब समझ लो उसके बाद नाव कितनी पीछे हट गई, तो 0.5 मीटर पर सेकंड की चाल से खिसक गई। तो नाव का द्रव्यमान मान लिया हमने m2 और उसका जो चाल है वो है 0.5, तो इसका संवेग हो गया m2 into 0.5 इक्वल में क्या हो गया, 0.5 m2। तो हम कह सकते हैं जब वो कूदा तो कूदने पर संवेग ये था, कूदने के बाद नाव उसके पीछे हट गई तो नाव पर जो संवेग लगा वो। अब संवेग क्या होता है, संरक्षित रहता है, टक्कर से पूर्व का संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग, तो ये दोनों संवेग कैसे होंगे आपस में बराबर, तो हम कह सकते हैं कि 5m1 बराबर 0.5m2। तो क्या काम कर देंगे, 0.5 यहां m2 में गुणा कर रहा है, तो 5m1 बराबर 0.5 बराबर m2, तो इससे ये काट दिए कितने बार कट रहे बेटा, 10 बार, तो 10 m1 बराबर m2। m2 क्या है, नाव का द्रव्यमान, नाव का जो द्रव्यमान है मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है, 10 गुना है। तो देखो ऑप्शन ए कहता था 5.5 गुना, ऑप्शन बी कहता था 4.5 गुना, ऑप्शन सी बोल रहा था 2.5 गुना और ऑप्शन डी कह रहा था कि 10 गुना, तो कितना गुना निकल के आएगा, 10 गुना। तो ऑप्शन डी जो है आपका वो राइट हो गया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 कहता है कि एक ट्रक है और एक कार है और एक मोटरसाइकिल, एक ट्रक है एक कार है और एक मोटरसाइकिल, सबके द्रव्यमान कैसे होंगे अलग अलग, इनकी गतिज ऊर्जाएं कैसी हैं, समान, इनकी गतिज ऊर्जाएं कैसी हैं, समान है, और यदि वे समान अवरोधक बल लगाया जाए तो वह क्रमशः x, y, z दूरी पर जाकर रुकती है। एक ट्रक चल रही है उसके पास कोई गतिज ऊर्जा है, उसके बाद एक कार चल रही है उसके पास भी कोई ना कोई गतिज ऊर्जा है, और एक मोटरसाइकिल चल रही है उसके पास भी कोई ना कोई गतिज ऊर्जा है, इनकी सबकी गतिज ऊर्जा समान है, गतिज ऊर्जा कैसे है, समान है, और यदि समान अवरोधक बल लगाया जाए उन्हें रोकने के लिए जो बल लगाया जाए एक समान ही बल सब पर लगाया जाए, तो ध्यान से समझना जो ट्रक है वो एक्स दूरी पर रुकता है, कार है वो वाई दूरी पर रुकता है, वाई दूरी चलकर रुक जाता है, और जो मोटरसाइकिल है वो जेड दूरी चलकर रुक जाती है। तो एक्स बड़ी होगा या वाई बड़ी होगी, एक्स इज ग्रेटर देन वाई अर्थात एक्स बड़ी होगी वाई से और वाई बड़ी होगी जेड से, ये भी हो सकता है। ऑप्शन बी कहता है कि एक्स छोटी है वाई से और वाई छोटी है जेड से, अर्थात सबसे बड़ी जो है वो कौन है, जेड है। ऑप्शन सी कहता है कि एक्स वाई जेड ये तीनों आपस में बराबर होंगे, और ये कहता है
था कि x सर्वांश सम होगी लगभग 4y की, x जो होगी y की से कितनी होगी लगभग 4 होगी, y की लगभग 4 होगी, और 4y ये कहता है कि ये जो होगी हम कह सकते हैं x से z होगी वो लगभग 8, कितनी होगी 8 होगी, तो ऐसा बताया गया है। अब देखिए समझ लो, जब अलग अलग द्रव्यमान की कई एक सारी वस्तुएं हो, बहुत सारी वस्तुएं हो, और अगर उनकी गतिज ऊर्जाएं समान है और उन सब पर समान अवरोधक अगर लगाओगे तो वो समान दूरी चलकर ही रुकते हैं, क्योंकि गतिज ऊर्जा जो सबकी समान है, द्रव्यमान सबके अलग अलग है, वो बना रहे तो उनसे कोई मतलब नहीं है। जब द्रव्यमान सबके अलग अलग है तो उनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको क्या देखना है गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा समान है। तो जब वो गतिज ऊर्जा का निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 mv2, और ये सबके सब समान है अर्थात किसी का, और द्रव्यमान सबके अलग है तो किसी का वेग कम होगा किसी का वेग ज्यादा होगा, तभी तो जाकर क्योंकि द्रव्यमान तो अलग अलग है तभी तो जाकर इनकी गतिज ऊर्जा समान हुई, और इन सब पर एक समान अवरोधक लगाया जाता है, समान विपरीत दिशा में एक समान बल लगाया जाए तो वो एक्स वाई जेड दूरी पर रुकती हैं। तो ध्यान से समझे एक्स वाई जेड ये तीनों के तीनों आपस में कैसे होंगे बराबर, बराबर दूरी तय करने के बाद ये रुक पाएंगे। तो इस प्रकार से देखिए कितने प्रश्न हो गए, इस प्रकार से देखो यहाँ पर मुझे तीसरा प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहता है, प्रश्न 4 कहता है कि दो समान द्रव्यमान वाली वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात दिया गया है। देखो सवाल अच्छा है, ध्यान से समझना, दो समान द्रव्यमान वाली वस्तु, दो वस्तुएं हैं जिनके द्रव्यमान कैसे हैं एक समान है, और इनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात दे दिया गया 4:9, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा ये सवाल कहता है। हमने माना कि दो वस्तुएं हैं, पहली का द्रव्यमान m है, दूसरी का द्रव्यमान m2 है, तो ये दोनों आपस में बराबर है द्रव्यमान, तो हमने मान लिया कि m है, पहले वाले का भी m है दूसरे वाले का भी m है, और इनकी गतिज ऊर्जा समान है, तो गतिज ऊर्जा जो पहले वाली वस्तु की क्या हो जाएगी गतिज ऊर्जा, पहली वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, पहली वस्तु की जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी, पहली वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 1/2 द्रव्यमान तो है इनटू v1 से। दूसरी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, दूसरी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, जो दूसरी वस्तु की गतिज ऊर्जा है वो हो जाएगी 1/2 m, क्योंकि द्रव्यमान दूसरी वाली का भी वही है और इसका वेग मान लिया हमने v2 का, इससे दोनों का अनुपात दे दिया गया कि 1/2 m * v2 स्क्वायर अपॉन 1/v1 का स्क्वायर 1/2 m * v2 का स्क्वायर, और ये अनुपात दे दिया गया 4:9, 1/2 m से ये कट गया तो v1 लिए v2 स्क्वायर उधर ले लिया तो v1/v2 बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 4/9, तो ये निकल के आ रहा है 2/3। हम कह सकते हैं कि ये जो v1 रेशियो v2 है वो निकल के आ रहा है हमारा 2:3। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कह रहा था 4:9, ऑप्शन बी कह रहा था 2:3, ऑप्शन सी कह रहा था 16:81, ऑप्शन डी कहता है 2:3। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाने है वो हो जाना है 2:3। अगला क्वेश्चन देखिए पांचवा क्वेश्चन कहता है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। ऑप्शन ए कहता है कि a बराबर v - ut, ऑप्शन बी कहता है कि a बराबर v + ut, ऑप्शन सी कहता है a बराबर v + u/t, और ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखो सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाना है वो देखो ए, क्योंकि त्वरण हमारा क्या होता है वेग परिवर्तन की दर, तो देखो ए बराबर क्या v - u, ये तो वेग परिवर्तन हो गया और इस वेग परिवर्तन में समय से भाग दिया तो वेग परिवर्तन की दर हो गई, और ये वेग परिवर्तन की दर ये क्या कहलाती है त्वरण कहलाती है। तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो जाना है। तो इस प्रकार से आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। छठवें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, देखिए प्रश्न नंबर 6 कहता है कि एक तीसरे वृत्ताकार पथ, एक वृत्ताकार पथ है जिसकी मोड़ बहुत ही तीव्र है, बहुत ही तीक्ष्ण है, एक तीसरे वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिया वाला वाहन, कौन सा वाहन,
जो कि चार पहियों वाला है, वो चार पहिया वाला वाहन क्या काम हो जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि बाहरी पहियों पर उलटेगा, ऑप्शन बी कहता है कि अंदर के पहियों पर उलटेगा, ऑप्शन सी कहता है कि अगर वो फिसलेगा तो किधर फिसलेगा, तो बाहर की तरफ फिसलेगा, और ऑप्शन डी कहता है कि वो अंदर की तरफ फिसलेगा। आप देख लीजिएगा यहाँ पर चार क्वेश्चन आपको दे गए कि बाहरी पहियों पर उलटेगा, अर्थात बाहर वाले जो पहिए होंगे, जैसे कि वो जा रहा है इधर से मोड़ आई, तो बाहर वाले पहिए ये होंगे, इन पहियों पर जाकर उलटेगा या फिर इनसे उलटेगा, ये सवाल कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि अंदर वाले पहियों से उलटेगा, अंदर वाले जो पहिए उन पर उलट जाएगा, या फिर देखो सी कहता है बाहर की तरफ फिसलेगा, ऑप्शन डी कह रहा है अंदर की तरफ फिसलेगा। तो ध्यान दें यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होने वाले हैं, तो ध्यान दें एक नहीं या दो राइट ऑप्शन होने वाले हैं। कौन कौन से हैं दोनों? ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों बातें सत्य हैं कि वो उलटेगा तो कहाँ? अंदर वाले जो पहिए होंगे वो पहिए उठेंगे। ध्यान से समझना, ऐसे गई तीव्र मोड़, ये पहिया अंदर वाला है और ये बाहर वाला है, तो जैसे ही तीव्र मोड़ पर मुड़ेगी गाड़ी तो अंदर वाला पहिया उठेगा, तो अंदर वाले पहियों पर उलटेगा, और ऑप्शन सी कहता है बाहर की तरफ फिसलेगा, वो इससे उलटेगा, फिसलेगा किससे? बाहर वाले, तो बाहर की तरफ फिसलेगा। तो ये दोनों बातें सत्य होती है, बी और सी दोनों इसके राइट ऑप्शन हो रहे हैं यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर सात क्या कहता है? प्रश्न नंबर सात कहता है निम्नलिखित में किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि कोई भी वस्तु पृथ्वी की ओर ही आकर गिरती है, अर्थात न्यूटन साहब ने जो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है उससे पहले ही किसी ने और दे दिया था, उन्होंने ये बात बता दी कि कोई भी वस्तु जो गिरेगी वो पृथ्वी की ओर ही आकर गिरेगी। तो देखिए ऑप्शन ए यहाँ कहता है आर्यभट्ट ने बताया था, ऑप्शन बी कहता है बराहा बिहरे ने बताया था, और जो ऑप्शन सी है वो ये कहता है कि बुद्धगुप्त ने बताया था, बुद्धगुप्त ने, और ऑप्शन डी कहता है कि ब्रह्मगुप्त ने बताया था। इसका जो राइट ऑप्शन साथी हो जाएगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ब्रह्मगुप्त ने ये बात बताई थी, न्यूटन साहब ने जो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था उस नियम से पहले ही ब्रह्मगुप्त ने ये बात बता दी थी। अगला क्वेश्चन देखिए आठवां प्रश्न नंबर आठ, ये कहता है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए साथियों ऑप्शन ये कहता है कि चार्ल्स न्यूटन साहब ने दिया था। तो एक बात तो क्लियर है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन साहब ने दिया था, अब कौन से न्यूटन साहब थे उन्हें पहचानना है। चार्ल्स न्यूटन ने दिया था, ऑप्शन बी कहता है कि चार्ल्स बैबेज ने दिया था, ऑप्शन सी कह रहा है कि आइजैक न्यूटन ने दिया था, और ऑप्शन डी कहता है कि जॉन एडम्स ने दिया था। किसने दिया था? जॉन एडम्स ने दिया था। तो देखिए साथियों इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सर आइजैक न्यूटन, आइजैक न्यूटन ने ये सिद्धांत दिया था गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो राइट ऑप्शन सी है। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष में कोई यान उड़ रहा है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है, क्या काम कर रहा है? जो चक्कर लगा रहा है, और वहां से एक सेब तोड़ा जाता है या फिर वहां से एक सेब फेंका जाता है, क्या किया जाता है? यहाँ पर थोड़ा गलत ले गया, एक सेब फेंका जाता है, अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है उससे क्या होता है? एक सेब फेंका जाता है, तो वह क्या काम करेगा? ऑप्शन ए कह रहा है कि वो पृथ्वी पर आकर गिरेगा, ऑप्शन बी कहता है कि कम गति से गतिमान होगा, और ऑप्शन सी कहता है अंतरिक्ष यान के साथ उसी गति में गतिमान होगा, और ऑप्शन डी कहता है कि अधिक गति से गतिमान होगा। तो देखो इसके चार ऑप्शन साथियों दे दिए गए हैं। तो देखो आप आपको ये बताएं कि अंतरिक्ष यान जो ऊपर चक्कर लगा रहा है और वहां से सेब को जब आप फेंकोगे तो सेब को जब आप फेंकोगे तो वो क्या काम करेगा? ऑप्शन नंबर सी देखिए, अंतरिक्ष यान के साथ ही जैसे जैसे अंतरिक्ष यान चक्कर लगाएगा ठीक उसी के साथ ही उसी गति में वो गतिमान होगा, वो पृथ्वी पर आकर नहीं गिरेगा, वो पृथ्वी पर आकर नहीं गिरेगा। तो देखो ऑप्शन नंबर डी कहता है अधिक गति से गतिमान होगा, तो ये भी नहीं होगा, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाना है वो राइट ऑप्शन हो जाना है सी। कौन सा हो जाना है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाना है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती नहीं है, अभी भी झुकी हुई है वैसे के वैसे, और वो लगातार गिर नहीं रही है, तो
पीसा की जो झुकी हुई मीनार है वो गिरती नहीं है, क्यों? ऑप्शन ए कह रहा है कि वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है, वह शीर्ष भाग में पतली हो गई है। ऑप्शन बी कहता है कि वह बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है, उसका जो तल क्षेत्रफल है वो बहुत बड़ा है, अर्थात वो बड़े तल क्षेत्रफल को आच्छादित करती है। ऑप्शन सी कहता है इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में रहता है, इसका जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र है वो निम्नतम स्थिति में रहता है। और ऑप्शन डी कहता है कि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है, वो ऊर्ध्वाधर जो लाइन होती है वो तल के अंदर रहती है। तो ध्यान रखें, हम आपको एक बात बताएं, गुरुत्व केंद्र किसे कहते हैं? गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है जिस बिंदु से निकलने वाली कोई लाइन, जिस बिंदु से निकलने वाली कोई लाइन या कोई रेखा वो किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु के अंदर जाती है, अर्थात लंबवत प्रवेश करती है, तो तब तक वो वस्तु खड़ी रहती है। जैसे ही वो गुरुत्व केंद्र से निकलने वाली रेखा अंदर न जाकर इधर या उधर से जाना शुरू करती है, तो वैसे ही वो वस्तु झुकना शुरू हो जाती है। क्या करना शुरू हो जाती है? झुकना शुरू हो जाती है। तो जो पीसा की मीनार है वो पीसा की मीनार अभी भी वैसे ही झुकी हुई है, क्योंकि उसका जो गुरुत्व केंद्र है, गुरुत्व केंद्र बिंदु वैसे कहते हैं कि जिससे निकलने वाली सभी किरणें इससे लंबवत होकर जाएं, या फिर हम कह सकते हैं इसका जो पूरा का पूरा द्रव्यमान है वो पृथ्वी के किसी एक बिंदु से जाकर पूरा का पूरा द्रव्यमान केंद्रित है, तो उसको कह देते कि ये गुरुत्व केंद्र हो गया। तो इस प्रकार से इसका जो डी ऑप्शन हो जाएगा, वो गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर ही रहती है, तल से बाहर से नहीं गुजरती, इसलिए वो पीसा की मीनार अभी भी झुकी हुई है, वो गिर नहीं रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि 2030 या 2040 में जाकर ये पूर्णतः गिर जाएगी, अभी तक भी इसकी कोई खोज नहीं की गई है। अब ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर 11 क्या कहता है, वो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि हवे में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद, लोहे की एक गेंद है एक लकड़ी की गेंद है, दोनों के भार कैसे हैं समान, वो समान ऊंचाई से गिरानी जाती है, तो समान ऊंचाई से जब उनको गिराओगे तो पृथ्वी पर दोनों एक साथ गिरेंगे, या एक पहले गिरेगी और एक बाद में गिरेगी, या फिर देखो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी या कुछ अंतराल में गिरेगी। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों वो क्या हो जाएगा, दोनों के भार तो एक समान है और समान ऊंचाई से भी गिराई जाती है, फिर भी लोहे वाली गेंद जल्दी गिर जाएगी और लकड़ी वाली जो होगी वो देर में। तो ये फर्क किसका है, ये फर्क है उसके घनत्व का, लकड़ी का जो घनत्व होता है वो कम होता है और लोहे का घनत्व ज्यादा होता है, तो इसलिए लकड़ी की जो गेंद है वो बाद में जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 ये अंतिम क्वेश्चन है और इस प्रश्न का जवाब साथियों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो 12 का क्वेश्चन ध्यान से देख लेना कि किसी पिंड का भार होता है, ऑप्शन ए कह रहा है पृथ्वी तल पर सब जगह समान, ऑप्शन बी कहता है ध्रुवों पर सर्वाधिक, और ऑप्शन सी कहता है कि विषुवत रेखा पर अधिक होता है, और ऑप्शन डी कहता है कि मैदानों की अपेक्षा पेड़ों पर अधिक होता है। तो ये आपको 12वां प्रश्न है, ये प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपके जो भी डाउट्स रहे हो इस टॉपिक से संबंधित, इन प्रश्नों से संबंधित जो भी डाउट्स रहे हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और उन प्रश्नों के आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। तो चलिए साथियों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक बार वीडियो को शेयर कर दें, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।